के लिए एक अलग उम्मीद बनी हुई है और आज ऐसे फाउंडेशन को अवार्ड मिला है, क्या कहना चाहिए? मैं सबसे पहले कल्याण भाई का शुक्रिया करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ ऐसे बच्चों को उन्होंने प्लेटफॉर्म पर बुलाया है जो सिंगल पेरेंट चाइल्ड है या फिर जिनके पेरेंट्स नहीं हैं और एक ऐसे स्लम से आए हैं, और उनको आज मॉडल के साथ रैंप वॉक कराना, उनको ये प्लेटफॉर्म देना क्योंकि उन्होंने कभी स्लम से बाहर निकले ही नहीं, आज उनको ये प्लेटफॉर्म मिला, उन्होंने मॉडल्स के साथ रैंप वॉक किया, सिर्फ रैंप वॉक ही नहीं, फिर उन्हें गिफ्ट्स मिला, उन्हें सेलिब्रिटी जैसे ट्रीट किया, उन्हें अच्छा सा खाना खिलाया, उन्हें घर तक कार फैसिलिटीज़ अवेलेबल करवा के दी। तो मैं DPIF टीम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने हमेशा हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम ये बच्चों को यहाँ पर लेकर आए, और साथ साथ उम्मीद फाउंडेशन जो करता है, जो ऐसे बच्चों के लिए फीस के लिए हेल्प करता है, वो कल्याण भाई ने एक अपॉर्चुनिटी दी कि हम लोगों तक ये बात पहुँचा पाए कि ऐसे भी लोग हैं जहाँ पे जिन्हें ज़रूरत है। तो हम मुंबई के 450 ऐसे बच्चे हैं जिनको मैं खुद पर्सनली बीइंग अ टीचर मैं उनको फ्री कोचिंग सेंटर चलाती हूँ, उनको फ्री कोचिंग देती हूँ, और कल्याण भाई का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। साथ साथ आप सभी मीडिया का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि आप हमारी चीज़ लोगों तक पहुँचाते हैं और आप कंटिन्यूसली जो वर्क करते हो और हमारा वर्क लोगों तक पहुँचाते हो। इस पेंडेमिक पीरियड में भी आप लोगों ने अपना साथ जो है हमारे लिए छोड़ा नहीं, तो आप सभी का भी दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।